क्या आप ऐसे संत को जानते हो जिन्होंने खासकर युवा पीढ़ी और मनुष्य जीवन के सभी वर्गों को एकजुट कर राधा नाम रूपी माला में पिघोकर राधा रानी के सम्मुख भेंट कर दिया हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज की, जिनके दर्शन मात्र से आपको पता चलेगा कि राधा नाम की महिमा कितनी अपार है। इसीलिए इस वीडियो में आज हम लोग जाएंगे वृंदावन, जहाँ पर हम प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन तो करेंगे ही, साथ में दर्शन करेंगे यहाँ के जो मुख्य मंदिर हैं, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल है और प्रेम मंदिर है, जहाँ पर शाम को लाइटिंग और साउंड शो चलता है, उसका आनंद लेंगे। तो मेरा नाम है संजय सिंह और आप सभी लोगों को वृंदावन से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी मैं घूम रहा हूँ वृंदावन की गलियों में और अभी रात के करीबन 2 बजे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनकी परिक्रमा रात में ही होती है, तो रात में ही दर्शन किए जा सकते हैं उनके। तो उन्हीं के दर्शनों में होते हुए जाएंगे। तो ऐसा है, अभी सूनी गलियां पड़ी हुई हैं और उनका जो निज निवास है वहाँ से वो जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, फिर अपने आश्रम जाते हैं, तो वहीं पर हम लोग जाएंगे। ये है मेरा होटल जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है प्रेम मंदिर से। गलियां पूरी सुनसान हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है इस्कॉन और प्रेम मंदिर के बीच में का ही रास्ता है और यहीं से चौकी है, चौकी से लेफ्ट ले लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे जहां पर प्रेमानंद जी महाराज का निज निवास है, वहां से वो आश्रम के लिए जाते हैं। प्रेम मंदिर से जब आप मेन रोड से होते हुए इस्कॉन मंदिर की ओर आ रहे होंगे तो बीच में आपको एक पुलिस चौकी मिलती है और उसी के बगल से होते हुए और इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल बगल से होते हुए एक रोड गई है, इसी रोड पे आपको आ जाना है और करीबन 2 से 3 मिनट की दूरी तय करने पर ही आपको सुन रखा जो कि निज निवास है प्रभु जी का, उसमें जाने के लिए रोड दिखने लगेगी। तो आपको उस रोड के अंदर नहीं जाना है, बस वहीं पर आपको खड़े हो जाना है। वहाँ पर आपको कई सारे भक्त भी देखने को मिलेंगे। तो हम वह स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारे प्रभु प्रेमानंद जी महाराज जी अपने आश्रम राधा कौली कुंज के लिए निकलते हैं। सभी से प्रार्थना है, जिस किसी के पास फूल आ जाए फूल अभी डाल दीजिए, महाराज जी के आने के बाद फूल ना डाले। और आप सबसे यही प्रार्थना है कि महाराज जी के आने पर कोई भी झुककर प्रणाम ना करे, खड़े होकर ही प्रणाम कीजिएगा। और यहाँ पर करीबन 3:10 पर हमारे प्रभु जी आ चुके थे और यहाँ पर जो भक्तों की एनर्जी थी, यहाँ पर जो भक्तों की श्रद्धा थी, यहाँ पर जो भक्तों की उत्साह था वो एकदम चरम सीमा पर था। जैसे ही प्रभु जी के दर्शन होते हैं मानो मन पवित्र हो जाता है और ये सब मैं आपको सुनाना भी चाहूँगा, दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरह का वहाँ पर लोगों में उत्साह होता है। अब हम लोग सब मिलकर हमारे प्रभु जी के दर्शन करते हैं और यहाँ का कैसा माहौल है यह सब भी आप सुनिए। Thank you.
वहीं प्रभु जी के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद में भक्त लोग उनके पीछे पीछे उनके आश्रम जहाँ पर वो प्रवचन देते हैं जो कि राधा कौली कुंज है वहाँ पर आ जाते हैं। और जिन भक्तों के पास में टोकन होते हैं वह महाराज जी के 4:30 बजे दैनिक सत्संग जो होते हैं उनका श्रवण कर सकते हैं। और जिन भक्तों के पास में टोकन नहीं है वह गौतम ऋषि आश्रम जो बिल्कुल नजदीक में बना हुआ है यहाँ पर आ सकते हैं और टीवी स्क्रीन पर महाराज जी के सत्संगों का आनंद ले सकते हैं, उनका श्रवण कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि महाराज जी के साक्षात सत्संग सुनने के लिए टोकन किस तरह से प्राप्त करने हैं। तो महाराज जी का जो आश्रम है राधा केली कुंज वहाँ पर उनके जो सुबह के दैनिक सत्संग होते हैं वह पूरे हो जाते हैं, मंगल आरती होती है वह पूरी हो जाती है और जो उनके भजन कीर्तन होते हैं वह पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में 9 बजे से टोकनों का वितरण चालू होता है। तो आपको अगर उनके सामने बैठकर उनके सत्संग सुनने हैं तो आपको सुबह 9 बजे आश्रम आ जाना चाहिए, 9 बजे से पहले ही आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भीड़ हो जाती है और करीबन 15-20 मिनट में ही सारे टोकन ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। महाराज जी के शाम को भी सत्संग होते हैं, भजन होते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ आश्रम में आकर, ये आश्रम आप देख रहे हैं यही आश्रम है, यहाँ पर आकर आप उनके आनंद ले सकते हैं, पर इसके लिए भी उसको टोकन की आवश्यकता होगी। पूरी रात गुरुदेव के दर्शन और उनके भजन में बिताने के बाद में सुबह होते ही हमें बहुत तेज नींद लगती है तो होटल जाकर हम विश्राम करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। जो भी भक्त वृंदावन में दर्शनों के लिए आते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो प्रेम मंदिर के दर्शन करने ना आए, क्योंकि प्रेम मंदिर की एक तो बनावट इतनी खूबसूरत बनाया गया है, इतने बारीक तरीके से नक्काशी की गई है पत्थरों पर कि अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। और इसके जो बनने की शुरुआत हुई थी मंदिर की वो 2011 में जो 5वें जगत गुरु कृपाल जी महाराज ने इसका शिलान्यास किया था और उनके मार्गदर्शन में इस मंदिर को पूरा को बनाया गया था। 2001 में काम चालू हुआ, 2012 में यह कंप्लीट हुआ जो कि आम जनता के लिए भी खोल दिया गया था, आम भक्तों के लिए भी खोल दिया गया था दर्शनों के लिए। और करीबन इसकी जो लागत उस समय आई थी वो 150 करोड़ आई थी। और जब आप पूरे मंदिर का भ्रमण करेंगे तो कृष्णा जी की इस तरह की सारी लीलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उनके जीवन में कौन कौन सी लीलाएं हुई थी, कौन सी घटनाएं हुई थी, वो सभी झांकियों के द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और मंदिर के अंदर आते ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से बारीक बारीक नक्काशियाँ पत्थरों पर की गई हैं जो देखने में अद्भुत लगती हैं। यहाँ पर एक झूमर भी टका हुआ है जो भी देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। और ये 2 या 3 इमारतों का है तो आप दूसरी इमारत पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी कृष्ण जी हैं। और जब भी आप प्रेम मंदिर आने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको शाम के समय आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो शाम के समय पूरे मंदिर की लाइटिंग जो की जाती है, जो सजावट की जाती है लाइटिंग से, वो देखने में ना अद्भुत लगती है। और यहाँ पर शाम को प्रतिदिन 7 बजे लाइटिंग एंड साउंड शो रखा जाता है जिसमें पानी के फुहारों और लाइट की मदद से इतना अद्भुत तरीके का अलौकिक दृश्य दिखाया जाता है जो मन को मोह लेता है। यहाँ पर बैठकर आप करीबन आधे घंटे तक ये शो चलता है, उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। और ये जो पूरा लाइटिंग और साउंड शो चलता है वो जो कृष्णा जी के भजन हैं उन पर चलता है। अभी मैं इनको यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट आने का इशू हो सकता है। दर्शन होने के बाद में अब हम लोग जा रहे थे इस्कॉन मंदिर जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही में था। यहाँ पहुँचकर आपको पता चलेगा कि हरे कृष्णा महामंत्रा में कितनी ताकत होती है, कैसे इस मंत्र के ऊपर लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं डांस करते हुए और इस मंत्र को जपते हुए। तो ये देश में नहीं अपितु विदेश में भी काफ़ी लोग हरे कृष्णा महामंत्रा से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं। इसको उनके जो संस्थापक थे प्रभुपाद जी, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी
आखिरी उम्र के पहलू पे धर्म का प्रचार किया और आज देश विदेशों में इसको उनको फैलाया। तो समय हो गया आपसे विदा लेने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जय श्री राधे, हरे कृष्णा।